सोमवार को संसद में शून्यकाल के दौरान सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार की नई आबाकारी नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नई आबाकारी नीति से कॉलोनियों में भी शराब की दुकानें खुल रही हैं। साथ ही शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 और शराब की होम डिलीवरी की अनुमति इस नई नीति के तहत दी गई है। इसके कई दुष्प्रभाव सामने दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं, प्रवेश वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने नई आबाकारी नीति को तैयार किया, जिसकी अधिसूचना 1 जून 2021 को जारी की गई और टेंडर 28 जून को जारी किया गया। इससे ये बात साफ है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की बजाय राजस्व पर ध्यान केंद्रित किया। राजस्व का आंकड़ा 2021-22 के दौरान 10,000 करोड़ रुपए छूने का अनुमान है, जबकि 2015-16 के दौरान यह आंकड़ा 4,100 करोड़ रुपए था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।